ये हुंडई ईयान है और इसका आज हम फ्यूज और रिले का डायग्नोस बताएंगे, कौन सा फ्यूज क्या काम आता है। मैं आपको दिखा दूँ, ये आपका हुंडई ईयान है। और यह रहा आपका लेफ्ट साइड में फ्यूज, इसको इंजन कंपोनेंट्स में साइज मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। तो गाइस मैं बता दूँ, ये जो आप अंदर की तरफ देख रहे हो ये रिले, ये आपका कूलिंग फैन का है। उसके बाद ये जो पीछे तरफ का है वो आपका स्टार्टिंग रिले है, ये वाला। जब ये गाड़ी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम दे तो एक बार ये रिले भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद है ये आपका एसी कंडेंसर का है ये रिले। उसके बाद आ जाते हैं ये 10 एम्पियर, ये भी आपका है एसी कंडेंसर का है। उसके बाद आते हैं ये 15 एम्पियर, ये 15 एम्पियर आपका है फ्यूल पम्प का है। उसके बाद ये 10 एम्पियर है आपका ECU का है, 10 एम्पियर। उसके बाद ये 10 एम्पियर है आपका हेडलाइट लैम्प का है, लेफ्ट साइड का। उसके बाद ये 10 एम्पियर आपका हेडलाइट लैम्प का है राइट साइड का। उसके बाद ये 15 एम्पियर आपका इंजेक्टर का है। उसके बाद ये जो खाली जगह है इसके इसमें आपका रहता है 10 एम्पियर, इसमें रहता है आपका सेंसर का। उसके बाद ये 20 एम्पियर ये आपका है इग्निशन कॉइल का। उसके बाद ये 30 एम्पियर ये आपका कूलिंग फैन का है। अगर आपका जो रिटर का जो फैन है वो आपका फैन नहीं चलेगा तो ये फ्यूज आप चेक कर सकते हैं, अगर ये ख़राब रहेगा तो नहीं चलेगा, ये आपका कूलिंग फैन का है। उसके बाद है ये 30 एम्पियर है आपका ECU का है। उसके बाद ये 50 एम्पियर ये आपका बैटरी का है। उसके बाद ये 40 एम्पियर आपका इग्निशन का है और ये भी 40 एम्पियर आपका इग्निशन स्विच का है। उसके बाद आते हैं ये आपका है फ्यूल पंप का है, फ्यूल पंप जो पीछे टंकी में लगा है फ्यूल पंप उसका है ये आपका। उसके बाद ये आपका ब्लोअर मोटर, जो एसी का ब्लोअर फैन है उसका है ये ब्लोअर फैन। उसके बाद आते हैं ये 50 एम्पियर ये आपका, ये भी बैटरी का है। और उसके बाद ये जो 30 एम्पियर है ये भी आपका ब्लोअर फैन का है, ब्लोअर मोटर ब्लोअर फैन का है ये भी। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैंने हुंडई ईयान के जितने भी फ्यूज रिले थे उसके बारे में मैंने A to Z डिटेल में बता दिया, और आपको ये भी बता दिया कि कौन से फ्यूज क्या क्या काम आते हो, सारा मैंने बता दिया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आगे ऐसी वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।